सीडीओ संजय कुमार मीना ने 16 जुलाई से 22 जुलाई तक शुरू होने वाले जल संरक्षण अभियान को लेकर विकास भवन के सभागार में भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा कि शासन का प्रयास है कि हर घर जन जन तक जल पहुंचे, जिसको लेकर प्रदेश सरकार एक सप्ताह का जल संरक्षण अभियान चला रही है। विकास खंड मुख्यालय पर जल की उपलब्धता उपयोग से संबंधित परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। भूजल संरक्षण हेतु कम पानी वाली फसलों व कम जल प्रयोग वाली सिंचाई पद्धतियों का प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण व जल संचयन हेतु आम जनमानस में प्रचार वाहन से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि जन जन तक जल पहुंचाना है, जल संरक्षण अपनाना, सभी विकासखंड परिसर में बैनर व होर्डिंग के प्रचार प्रसार किया जाए। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आदि क्षेत्रों के भूजल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता से भी अनेक क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूजल संसाधन के वर्ष 2017 की जो अतिदोहन की संख्या थी सर, उसमें व्यापक है सर। सर 2020 की आकलन रिपोर्ट के अनुसार सर 66 विकास खंड अतिदोहित, 49 विकास खंड क्रिटिकल एवं 77 सेमी क्रिटिकल विकास खंड में आए हैं सर। लेकिन अगर सर इसकी तुलना हम 2000 की तुलना में करें तो सर ये फिर भी आंकड़ा जो है 5 से 6 गुने के आसपास है सर। इस उत्पन्न विकट स्थिति से उभरने हेतु सरकार के स्तर से भी सर प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भूजल आंगनबाड़ी जन उपभोक्ता समिति, रेजिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, वेटर्स एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, बताने आपकी क्या कार्य योजना है, क्या क्या इसमें आप लोग करें। ठीक है, तो आपके विभाग के द्वारा क्या प्लानिंग है जल संरक्षण संचयन और भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाने के लिए, ये सर जानना चाह रहे हैं। आपने कोई रूपरेखा कार्य योजना आदि बना रखी है। जी सर, बढ़ते भू जल स्तर को समर्थन के लिए की जा रही है, उसके तहत बारिश का पानी आता है उनको नहीं, इसमें में जबरदस्ती की पानी डालना है, उसका क्या फायदा। नहीं सर, वर्षा पानी जो वर्षा का पानी, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज तब होगा जब हम रेन वाटर है हमारा, बारिश का पानी है वो परकुलेट होके ग्राउंड जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर। तो इसके अलावा भी जैसे आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे आप पानी को रोक के ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकी। चेक डैम तो हो ही गया, इसके अलावा केबिन स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, ठीक है, पर्कुलेशन टैंक्स होते हैं जो आप बना देते हैं और वो फिर जो है नीचे पानी चला जाता है। और सबसे जो लोकल बात करें तो सोखता बोलते हैं वैसे, उसमें